गोमिया में देर रात हथियार से लैस अपराधियों ने कुनार नदी स्थित एक क्रशर में धावा बोल दिया है। बताया जा रहा है कि 5 लोगों को जंगल की ओर उठा ले गए, लेकिन आज सुबह अपराधियों ने 4 लोगों को छोड़ दिया है। लेकिन क्रशर का सुरक्षा गार्ड अभी भी अपराधियों के कब्जे में है। बोकारो SP चंदन कुमार झा ने कहा कि अपराधी 50,000 की मांग कर रहे थे। पूरे मामले की जांच की जा रही है। हजारीबाग और बोकारो जिले का बॉर्डर होने के कारण सभी एंगल से मामले की जांच की जा रही है। नक्सली घटना से भी नहीं इनकार नहीं किया जा सकता है। तो गोमियों में बेखौफ अपराधियों का कहर देखा गया है। आपको बता दें कि देर रात क्रशर पर काम कर रहे 5 कर्मचारियों को अगवा कर लिया गया था। खाना मतलब खा के लोग आराम कर रहा था, वैसे उधर से आया करीब 5-6 आदमी और एक आदमी को पहले ले गया, उधर मार पीट के छोड़ दिया। उधर से दौड़ते हुए आ रहा था, इसके बाद में खाना मतलब खा के लोग आराम कर रहा था, वैसे उधर से आया करीब 5। पचास हजार की लेवी मांगी गई थी और बताया जा रहा है कि गोमियों में बेखौफ अपराधियों का कहर देखा गया। देर रात क्रशर पर काम कर रहे 5 कर्मचारियों को अगवा किया गया। 10 की संख्या में अपराधी थे। बताया जा रहा है कि आज सुबह सभी को छोड़ दिया गया है। तो अपराधियों ने कर्मचारियों को अगवा किया था। 50,000 की लेवी मांगी गई थी। तो 4 कर्मचारियों को अपराधियों ने छोड़ दिया है, लेकिन अभी भी एक कर्मचारी कब्जे में है और अपराधियों के कब्जे में क्रशर का सुरक्षा गार्ड जो है वो अभी भी है और क्रशर से 5 लोगों को अगवा किया गया था, कर्मचारियों को अगवा किया गया था, जिसके बाद 4 को छोड़ दिया गया है। 50,000 के लिए भी मांगी गई थी। गोमिया में बेखौफ अपराधियों का कहर देखा गया। तो अज्ञात अपराधियों ने, हथियार लैस अपराधियों ने क्रशर पर धावा बोला, जिसके बाद वहां से 5 लोगों को अपने साथ अगवा कर लिया, जिसके बाद 4 को छोड़ दिया गया है। एक अभी भी उनकी इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता प्रशांत हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रशांत, जिस तरीके से बताया जा रहा है कि गोमिया में अपराधियों का कहर देखने को मिला और 5 लोगों को अगवा कर लिया है। नरकी के पास में क्रशर चलता है, क्रशर मतलब वहां पर 3-4 क्रशर, वहां रात 11 बजे करीब 5 की संख्या में हथियार बंद लोग आए और वहां पर कार्यरत 5 मजदूरों के साथ मारपीट की। एक मुंशी थे मुमताज आलम, उनके साथ भी मारपीट की और पैसे की डिमांड करके 5 लोगों को, 5 कर्मियों को, जिसमें 2 महिलाएं हैं और 3 पुरुष हैं, उनको पकड़ के अपने साथ ले गई। जबकि घटना रात 11 बजे के करीब की है, जब मालिक को फोन कराया गया उनके कर्मियों द्वारा कि मालिक को पैसा लेके आने बोले, जब मालिक नहीं पहुंचा तो वो 5ों को ले गए साथ में और सुबह 5 बजे 6 बजे उन लोगों को छोड़ भी दिया गया। जी, अभी भी बताया जा रहा है कि एक सुरक्षा गार्ड, क्रशर का सुरक्षा गार्ड अभी भी उनके अगवा में है। जी, बता दूं कि अभी 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 वो सुरक्षा गार्ड का सूचना मिला है कि सुरक्षा गार्ड अभी अभी अपने घर पे पहुंच चुका है जी। और इधर बोकारो से बेरमो DSP सतीश चंद्र झा IL थाना पहुंचकर घटनास्थल पर जायजा लेने पहुंच रहे हैं। जी, पुलिस की तरफ से क्या कुछ कहना है? पुलिस का कहना है कि अभी तक कुछ क्लियर नहीं हो पाया, अपराध कर्मी है या नक्सली है ये क्लियर नहीं है, लेकिन प्रथम दृष्टया उन लोगों को लगता है कि मतलब अपराध कर्मी है। जी प्रशांत, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपको बता दें कि गोमिया में बेखौफ अपराधियों का कहर देखा गया। देर रात क्रशर पर काम कर रहे 5 कर्मचारियों को अगवा कर लिया गया है और अब सभी लोगों को छोड़ दिया गया है। बताया जा रहा है कि 10 की संख्या में अपराधी मौजूद थे और आज सुबह सभी को छोड़ा गया है।